गुड इवनिंग, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का इस सैंड फ्यूजन वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो सैंड फ्यूजन है, जहाँ पर हम सैंड रिलेटेड डिफेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशली सैंड फ्यूजन, या जिसमें हम देखते हैं कि सैंड मेटल के साथ में चिपकी हुई है उस तरह के डिफेक्ट, जिसे हम सैंड फ्यूजन कहते हैं, उस डिफेक्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड इसके कारण क्या है, उसके एक्शन प्लान्स क्या है, किस तरह से हम इस डिफेक्ट को हमारे फाउंड्री में आने से रोक सकते हैं, या फिर कोई डिफेक्ट इस तरह का डिफेक्ट आया तो हमें और उसके ऊपर क्या एक्शन लेने हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सैंड फ्यूजन इज अ वेरी मच रेगुलर डिफेक्ट विच इज नॉर्मली सीन इन ऑल फाउंड्रीज। ये बहुत ही रेगुलर और रेगुलर डिफेक्ट है जो नॉर्मली सभी फाउंड्रीज में हम देखते हैं। सो दिस पार्ट्स कैन बी रिवर्ट बाय ग्राइंडिंग और री शॉट ब्लास्टिंग इन सम केसेस, वेयर इन सम केसेस दिस पार्ट्स आर नीड टू बी रिजेक्टेड फॉर पुअर एस्थेटिक लुक। सो मेनी टाइम्स दिस डिफेक्ट सिवेरिटी इज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली इन द रिजेक्शन एनालिसिस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डिफेक्ट है उसमें से कई बार वी कैन से ऑलमोस्ट 50% कास्टिंग्स कैन बी यूज बाय रिवर्क एंड ग्राइंडिंग एंड री शॉट ब्लास्टिंग एवरीथिंग। उसके वजह से वो कास्टिंग रिजेक्शंस की आपके लिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन कई बार ये कास्टिंग एस्थेटिक लुक के लिए आपको रिजेक्ट भी करने पड़ते हैं। तो समटाइम्स इट रिफ्लेक्ट इन द डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द रिजेक्शन, समटाइम इट डजंट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द रिजेक्शन। तो उसकी सिवेरिटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस सिवेरिटी हमें पता नहीं चलती है बिकॉज वी डू द रिवर्क, वी डू द सैलवेजिंग, एंड उसके वजह से कई बार हमें इसके बारे में बहुत देर के बाद पता चलता है कि ये डिफेक्ट है और ये डिफेक्ट इस सिवेरिटी में है और उसके वजह से हमारा इतना नुकसान हो रहा है, ये बात बहुत देर से पता चलती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस डिफेक्ट वेरी वेल। तो यहाँ आपको ये सिवेरिटी को उसके जानना बहुत जरूरी है। सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस रीजन एंड एक्शंस टू ओवरकम दिस डिफेक्ट। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम इस डिफेक्ट के बारे में, उसके ऊपर जो रूट कॉज है उसके बारे में और उसके एक्शंस के बारे में बात करें। सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस डिफेक्ट इज रिफ्रैक्टनेस ऑफ द सैंड इज लो। तो कई बार क्या होता है, हमारे सैंड में जो रिफ्रैक्टनेस है सैंड का वो बहुत कम हो जाता है। वो लो होने के वजह से ये डिफेक्ट काफी तादाद में आता है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन इज बिकॉज ऑफ द सैंड का रिफ्रैक्टनेस कम होना, एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ न्यू सैंड और लेस अमाउंट ऑफ न्यू सैंड एडिशन मेड इन द सिस्टम। उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि हम कम न्यू सैंड या फ्रेश सैंड डालते हैं सिस्टम में, या फिर जो सैंड हम डालते हैं उसका खुद का रिफ्रैक्टनेस ही बहुत ही लो है, बहुत कम है, और जिसके वजह से हमें ये डिफेक्ट जो सैंड फ्यूजन का डिफेक्ट है वो दिखाई देता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट रीजन। हियर वी नीड टू यूज सैंड विद हैविंग गुड रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो कीप एडिंग न्यू सैंड रेगुलरली। तो रेगुलर एडिशन ऑफ न्यू सैंड और अच्छे रिफ्रैक्टिव वाला सैंड डालना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है। इफ न्यू सैंड एडिशन इज नॉट मेड और लेस सैंड एडेड इन द एडेड और रिफ्रैक्टनेस ऑफ द सैंड गेट रिड्यूस्ड। तो ये तीनों चीजों में अगर हम सैंड कम इस्तेमाल करते हैं, कम डालते हैं, या फिर जो सैंड हम डालते ही नहीं है, या फिर जो रिफ्रैक्टनेस है वो कम हो जाता है, तो वो तीनों केसेस में क्या होता है कि मोल्टन मेटल जो है वो हमारी जो सैंड है जिसमें रिफ्रैक्टनेस नहीं है उसके साथ में फ्यूज हो जाती है, एंड दैट सैंड पार्टिकल गेट फ्यूज विद द मोल्टन मेटल एंड दैट रिजल्ट्स इन द सैंड फ्यूजन डिफेक्ट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके रिफ्रैक्टनेस सही नहीं होने के वजह से, या फिर आपके न्यू सैंड एडिशन कम होने के वजह से जो मोल्टन मेटल है वो सैंड प्रॉपर्टीज सैंड ग्रेड के साथ फ्यूज हो जाता है, उसके साथ जो सैंड फ्यूजन आता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें देखना है कि किस तरह हम नवी सैंड को कंटिन्यूसली डालते रहे, फिर सैंड को डालते रहे, और साथ ही में अच्छा रिफ्रैक्टरी वाला सैंड किस तरह से हम ऐड करें ताकि हमारा जो सिस्टम सैंड है उसका भी रिफ्रैक्टरीनेस प्रॉपरली मेंटेन हो। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द सैंड मॉइस्चर। तो मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सैंड फ्यूजन को बढ़ावा देता है। अगर आपका सैंड मॉइस्चर ज्यादा है अबाउट 3.5% एंड योर कॉम्पैक्टिबिलिटी इज अराउंड अबाउट 42 42 से ज्यादा है और आपका मॉइस्चर 3.5% से भी ज्यादा है, यानी आपके सैंड में प्री वाटर है, जो एक्सेस मॉइस्चर हम बोल सकते हैं प्री वाटर है,
इट विल बी कम इन कॉन्टेक्ट विथ मोल्टन मेटल, वो मेल्टन मेटल के साथ में कॉन्टेक्ट में आएगा एंड इट विल मेक सैंड फ्यूजन, तो जगह पे वो सैंड फ्यूजन आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉइस्चर को 3.5% से नीचे और कॉम्पैक्टिविटी को 42 के नीचे कंट्रोल करना है ताकि आपका जो कास्टिंग है उसमें सैंड फ्यूजन ना आए। नेक्स्ट वन इज इफ साइन मॉइस्चर इज वेरी लो, अगर आपका साइन मॉइस्चर बहुत कम भी है और उसी समय पर आपका एएफएस अगर सब 70 से ज्यादा है या फिर आपकी सैंड बहुत ज्यादा फाइन है, तो ये क्या करती है बेसिकली इट बिकॉज ऑफ द फाइन्स अवेलेबल इन द सैंड, द फाइन ग्रेन्स पार्टिकल ऑफ द सैंड गेट फ्यूज विद द मोल्टन मेटल। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर जो फाइन्स है सैंड के, आपके सैंड फाइन ग्रेन्स है जो सैंड में है वो फ्यूज हो जाते हैं मोल्टन मेटल के साथ में, व्हिच रिजल्ट्स इन द सैंड फ्यूजन। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड आपका अगर मॉइस्चर 2.9 से नीचे है और आपका अगर एफएस है वो अगर 70 के करीब है, 65 से ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली देर आर चांसेस कि आपके कास्टिंग में सैंड फ्यूजन आएगा। इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि आपका जो मॉइस्चर है दैट शुड बी अबाउट 2.9% एंड एफएस शुड बी अराउंड 55 to 65 के बीच में अगर रखेंगे तो डेफिनेटली द चांसेस ऑफ गेटिंग सैंड फ्यूजन इज वेरी लेस। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एक्सेस यूज ऑफ ऑयल, डीजल, ग्राफाइट पाउडर और वी कैन से पार्टिंग एजेंट ऑन द पैटर्न। तो कई कोई भी पार्टिंग एजेंट आप इस्तेमाल करते हैं, डीजल करते हैं या फिर ऑयल करते हैं या फिर केरोसिन करते हैं या फिर ग्राफाइट पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक्सेस यूज के वजह से भी आपको सैंड फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ द मोल्ड आर होल्ड फॉर लॉन्गर टाइम, मोल्डिंग होने के बाद बक्सा ढकने के बाद अगर आप उस मोल्ड को बहुत ज्यादा टाइम होल्ड करते हैं पोरिंग से पहले, तो वो भी मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है मोल्ड के अंदर, जो मोल्ड का सरफेस है दैट एब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर, वहां पर स्वेटिंग जैसा सिनेरियो हो जाएगा और वहां पर जब भी मेटल उस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो अगेन इट विल फॉर्म वी कैन से सैंड फ्यूजन का लेयर एक फॉर्म करेगा और उसके वजह से आपको सैंड फ्यूजन आ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड होल्डिंग ऑफ मोल्ड्स फॉर लॉन्गर टाइम, मैक्सिमम यू शुड बी 45 मिनट्स मैक्स, तो उससे ज्यादा अगर आप मोल्ड होल्ड करते हो तो बी केयरफुल, तो उसके वजह से आपको सैंड फ्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड कीप योर मोल्ड्स नॉट होल्ड मोर देन 45 मिनट्स to 1 आवर मैक्स। नेक्स्ट इज अ कोर नीड्स टू बी टॉर्च बिफोर यूज एज द मॉइस्चर एब्सॉर्ब बाय द कोर कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैंड फ्यूजन। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो कोर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको यूज करने से पहले टॉर्च करना चाहिए, स्पेशली इन द रेनी सीजन और इन द हॉट सेक्शन आल्सो, क्योंकि कई बार गर्म कोर या फिर जो वेट कोर है वो अगर आप डालेंगे तो इट विल क्रिएट सैंड फ्यूजन इश्यू इन द मोल्ड, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हॉट कोर रहेंगे तो इट विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर और जैसे ही मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इट विल फॉर्म सैंड फ्यूजन। सो वेरी हॉट कोर एडेड इन द मोल्ड और हॉट सैंड यूज, कई बार हम हॉट सैंड भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी जो प्रिपेयर सैंड है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो जो मोल्ड जो सैंड हम हॉट सैंड जो इस्तेमाल करेंगे मोल्ड बनाने के लिए, तो वो मोल्ड के अंदर जब रहेगी तो इट विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और वो स्वेटिंग जैसा वहां पर बनाएंगे, वहां पर एक पानी का लेयर बनेगा और जब भी मेटल उसके कांटेक्ट में आएगा तो इट कैन गिव राइज टू सैंड फ्यूजन एज वेल। सो लेस वेंटिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सैंड फ्यूजन, अगर वेंटिंग सही नहीं है, वेंटिंग कम है तो गैस ट्रैप होगा और गैस ट्रैप के वजह से आपको सैंड फ्यूजन आ सकता है बिकॉज ऑफ दी मेटल गेट्स फ्लैश, मेटल गेट्स नॉट मेटल गेट्स फ्लैश इन द गेटिंग सिस्टम एंड इन द कास्टिंग, सो यू कैन हैव अ सैंड फ्यूजन एज वेल इन दैट केस एज वेल। सो वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो रिमूविंग द गैस फ्रॉम द मोल्ड एंड कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज अ हाई डेड क्ले, डेड क्ले अबाउ 3.5 to 4% विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस सैंड फ्यूजन डिफेक्ट एज वेल। सो अनदर थिंग इज हाई एक्टिव क्ले, हाई एक्टिव क्ले विल राइज टू
बेसिकली उसमें क्या होगा कि आपका अगर एक्चुअली ज्यादा है तो इट विल हैव मोर मॉइस्चर डिमांड, आपकी मॉइस्चर डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि हाई एक्टिव क्ले मीन्स हाई बेटोनाइड, अगर हाई बेटोनाइड है तो डेफिनेटली आपकी मॉइस्चर की डिमांड ज्यादा होगी, और मॉइस्चर की डिमांड अगर ज्यादा है जैसे हमने पहले देखा है कि मॉइस्चर अबाउट 3.5% विल गिव राइज टू सैंड फ्यूजन डिफेक्ट एज वेल। सो दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स फॉर सैंड फ्यूजन, यू कैन सी हियर सैंड इज फ्यूज, दिस अनदर सैंड फ्यूजन डिफेक्ट, यू कैन सी द पेनिट्रेशन, यू कैन से ऑन द कास्टिंग, सो दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ सैंड फ्यूजन एज वेल। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग, होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफेक्ट एंड विल हेल्प यू टू अवॉइड इट एज वेल।